जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सोनाली तांबुलकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हाउस होल्ड डायरीज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से बन जाने वाला पाइनएप्पल पना। तो आइए पाइनएप्पल पने बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। पाइनएप्पल पना बनाने के लिए हमने यहाँ एक पाइनएप्पल को अच्छी तरह से छील कर उसके इस प्रकार से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून शक्कर ली है, एक छोटा पीस अदरक का लिया हुआ है, एक छोटी मीडियम साइज़ की हरी मिर्च जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा सिक्का हुआ पिसा जीरा लिया हुआ है और काला नमक लिया है, साथ ही एक गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ है। सबसे पहले हम एक भगोनी में पाइनएप्पल के पीस ले लेंगे, साथ ही उसमें हम पानी डाल देंगे, शक्कर, अदरक के पीस और हरी मिर्ची के पीस डाल देंगे। अब इसे हम गैस पर रखकर उबाल आने तक पकाएंगे। अब इसमें उबाल आ चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए पाइनएप्पल का कलर थोड़ा भी डार्क येलो हो गया है और पानी भी कम हो गया है। और हम इस प्रकार से चाकू की सहायता से इसे चेक करेंगे, ये चाकू आसानी से इसमें चले गया, मतलब ये हमारे पाइनएप्पल पक चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा करके मिक्सर के जार में पीस लेंगे। ये हमने जो अनानास उबाले थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम उन्हें एक मिक्सर के जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे अनानास को मिक्सर के जार की सहायता से पीस लिया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। हमने यहाँ पर आधा आधा गिलास नॉर्मल पानी लिया हुआ है। अब हम उसमें ये अनानास का जो हमने पल्प निकाला है ये डालेंगे। लगभग 4 से 5 टेबल स्पून पल्प लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सिक्का जीरा भी डालेंगे और थोड़ा काला नमक डालेंगे, साथ ही हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये बनाया हमने झटपट से बन जाने वाला पाइनएप्पल पना। दोस्तों आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।